यूनिट 5 में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस के अंतर्गत आज हम लोग स्टैटिक सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया जाता है। तो जानते हैं स्टैटिक सर्किट ब्रेकर क्या है। स्टैटिक सर्किट ब्रेकर्स आर सेमीकंडक्टर बेस्ड सर्किट ब्रेकर। यानी कि स्टैटिक सर्किट ब्रेकर जो है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड सर्किट ब्रेकर होते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ए फास्ट एंड रिलायबल इंटरप्शन ऑफ ए कंटिन्यूअस करेंट। यानी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर जो है वो कंटिन्यूअस करेंट को इंटरप्ट करने में, फॉल्ट के केस में इंटरप्ट करने में ये कैपेबल है, और इसका ऑपरेशन जो है फास्ट है और ये रिलायबल भी है। स्टैटिक सर्किट ब्रेकर्स आर ऑफ टू टाइप्स। स्टैटिक सर्किट ब्रेकर दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर और स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर। यानी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर जो है आपका एसी सर्किट में यूज किया जाता है, और स्टैटिक डीसी सर्किट ब्रेकर ये डीसी सर्किट में यूज होगा। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर के बारे में। स्टैटिक एसी स्विच कैन बी मेड टू ऑपरेट एज एसी सर्किट ब्रेकर। यानी स्टैटिक एसी स्विच को एसी सर्किट ब्रेकर की तरह ऑपरेट करने के लिए इसको बनाया जा सकता है। एसी स्विच को ही सर्किट ब्रेकर की तरह इसको यूज किया जा सकता है। द सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम फॉर स्टैटिक सर्किट ब्रेकर इज शोन इन फिगर। एसी सर्किट ब्रेकर के लिए जो सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो सर्किट है आपका स्टैटिक एसी सर्किट ब्रेकर का, ये आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसमें आपके दो थायरिस्टर्स हैं, T1 और T2। ये दोनों थायरिस्टर जो है एंटी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इनका जो गेट और कैथोड के बीच जो है, गेट और कैथोड टर्मिनल जो है आपका, ये कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड है। यानी कि इसको जो है कंट्रोल सर्किट के द्वारा दोनों ही थायरिस्टर के गेट और कैथोड को कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट किया गया है। यानी कंट्रोल सर्किट के द्वारा इन थायरिस्टर को ट्रिगर किया जा रहा है। ये आपका लोड है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है, और लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I0 है। तो दोनों ही थायरिस्टर का जो गेट और कैथोड सर्किट है उसको कंट्रोल सर्किट से कनेक्ट किया गया है पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू। पल्स ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर है जो कि आपका, इसमें दोनों ही बाइंडिंग्स में नंबर ऑफ टर्न्स सेम होते हैं, यानी 1:1 का रेशियो होता है बाइंडिंग्स में। और इसका पर्पस है सर्किट को आइसोलेट करना, फिजिकली आइसोलेट करना इसका पर्पस है। तो कंट्रोल सर्किट जो है आपका, ये पावर सर्किट से ये आपका आइसोलेट हो जाता है पल्स ट्रांसफार्मर का की मदद से। और चूंकि ये एसी सर्किट ब्रेकर है इसलिए इसमें जो इनपुट है वो आपका एसी सप्लाई है, यानी कि आपका एसी पे वर्क कर रहा है। तो इसका ऑपरेशन जानते हैं कि ये ऑपरेट कैसे करता है। इनिशियली जब तक सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं होगा तो जो ये सर्किट है वो नॉर्मली कंडक्ट करता रहेगा। यानी कि ये थायरिस्टर जो है, दोनों ही थायरिस्टर अपना नॉर्मली प्रॉपरली अपना ये वर्क करते रहेंगे। यानी इसके थ्रू जो करंट है वो फ्लो होता रहेगा नॉर्मली, जब तक कि आपका कोई फॉल्ट सर्किट में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में जो थायरिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है, तो उस थायरिस्टर का जो ट्रिगरिंग है, यानी कि उसको जो है गेट पल्स जो अप्लाई किया जाता है, तो कंट्रोल सर्किट के द्वारा जो है उसके गेट पल्स को रोक दिया जाता है। उसको मैंने नेक्स्ट साइकिल में उसको ट्रिगर नहीं किया जाता है। जब भी सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो कंट्रोल सर्किट को ये पता चल जाता है कि सर्किट में कोई फॉल्ट हुआ है। उसके बाद जो है, जो थायरिस्टर अगर कंडक्शन मोड में है, जो कंडक्ट कर रहा है, तो नेक्स्ट साइकिल में इसका जो गेट पल्स है उसको विथड्रॉ कर लिया जाता है। यानी उसको गेट पल्स सप्लाई नहीं किया जाता है, तो जो कंडक्टिंग थायरिस्टर है वो आपका टर्न ऑफ हो जाता है, और जो रिमेनिंग थायरिस्टर है वो आपका पिछले ही साइकिल में जो है वो आपका वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही थायरिस्टर आपका टर्न ऑफ हो जाता है और जो सर्किट है वो आपका ब्रेक हो जाता है।
इसका जो आपका वेव फॉर्म है, तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। मान के चल रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो है आपका ये साइनोसॉइडल ये वेव फॉर्म है, यानी कि आपका आउटपुट वोल्टेज कंटिन्यूअस आउटपुट वोल्टेज इसमें मिल रहा है। पॉजिटिव साइकिल में जो है वो आपका T1 काम कर रहा है, T1 थर्स्टर, और निगेटिव साइकिल में T2 थर्स्टर काम कर रहा है। तो आपको आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म इस प्रकार से मिल रहा है। और चूंकि लोड जो है आपका RL लोड है, तो इंडक्टेंस होने के कारण जो करंट है वो लैग करेगा, वोल्टेज से लैग करेगा। तो मान के चल रहे हैं कि फाई एंगल से लैग कर रहा है करंट, और फाई एंगल बाद ये करंट जो है आपका शुरू हुआ। तो जब तक सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, तब तक ये करंट जो है आपका इसी प्रकार से फ्लो करता रहेगा और आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से मिलते रहेंगे। लेकिन मान लिया जाए कि किसी टाइम पे सर्किट में फॉल्ट होता है, किसी सर्किट में मान लिया कि फॉल्ट होता है, और ये हम मान के चल रहे हैं कि ये आपका जैसे कि इसका एक साइकिल 2 पाई पे पूरा हो रहा है, 2 साइकिल 4 पाई पे पूरा हो रहा है। तो मान के चल रहे हैं कि 4 पाई प्लस फाई इस टाइम पे जो है सर्किट में, इस टाइम पे सर्किट में फॉल्ट हो गया, तो जो कंट्रोल सर्किट है उसको ये पता चल जाएगा कि जो सर्किट में कहीं पर फॉल्ट हुआ है। तो जो ट्रिगर जो नेक्स्ट साइकिल में जो आपका थर्स्टर ट्रिगर होने वाला था, तो उसको ये कंट्रोल सर्किट जो है वो आपको गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट साइकिल में जो है आपका ये T1 ऑफ हो जाएगा, और जो T2 है वो आपका पिछले साइकिल में ही वो ऑफ हो चुका था। तो इस प्रकार से जो सर्किट है वो आपका ब्रेक हो जाता है। सपोज दैट कि सर्किट में फॉल्ट होता है किसी बीच के पोजिशन में ही, यानी कि 4 पाई प्लस 5 पे नहीं फॉल्ट होकर के 3 पाई और 4 पाई के बीच में ही कहीं पे फॉल्ट होता है सर्किट में, तो उस केस में जो थर्स्टर कंडक्ट कर रहा था, जो ऑलरेडी उस टाइम पे जो थर्स्टर कंडक्ट कर रहा था, वो आपका कंटिन्यूसली कंडक्ट करता रहेगा जब तक कि इसको नेक्स्ट साइकिल तक, नेक्स्ट साइकिल में जब इसको ट्रिगर किया जाता है, तो उस टाइम तक इस अपना कंडक्ट करते रहेगा। उसके पहले वो इंटरप्ट नहीं होगा, सर्किट आपका वो कंटिन्यू रहेगा। और नेक्स्ट साइकिल में ही यानी 4 पाई प्लस 5 में ही इस टाइम पर ही वो सर्किट का जो है आपका सर्किट में गेट पल्स को विथड्रॉ कर लिया जाएगा, और वो थ्रेशर जो कंडक्ट कर रहा था वो आपका ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्किट का स्टैटिक सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन है। इसमें जो है आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि पॉजिटिव साइकिल में जो है आपका T1 थ्रेशर वर्क कर रहा है, तो उसके लिए जो गेट पल्स अप्लाई किया गया है IG1 है। सेकंड साइकिल में T2 का वर्क कर रहा है, तो जो गेट पल्स है IG2 गेट पल्स अप्लाई किया गया है, उसको ट्रिगर किया गया है इस गेट पल्स के द्वारा। उसी प्रकार से फिर T1 के लिए IG1 अप्लाई किया गया है नेक्स्ट साइकिल में, और फिर T2 के लिए जो है आपका IG2 करेंट गेट पल्स अप्लाई किया गया है। लेकिन जब सर्किट में फॉल्ट होता है, तो उस पल्स जो है यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे आपको T1 थर्स्टर को टर्न ऑन होना था, लेकिन इसको जो है गेट पल्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, तो ये आपका ट्रिगर नहीं होगा। और T2 जो है ये आपका ऑलरेडी यहीं पे आपका ऑफ हो चुका था, तो T2 आपका यहीं पे ऑफ हो चुका था। इसके बाद आपका रिवर्स बस T2 हो चुका था, तो T2 तो आपका वर्क नहीं करेगा, और T1 को जो है वो गेट पल्स नहीं अप्लाई किया गया, तो T1 भी वर्क नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका सर्किट वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि फॉल्ट के केस में लोड जो है वो आपका सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी ऑपरेशन को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा है, लेट द सर्किट इज ऑपरेटिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन। हम मान चल रहे हैं कि सर्किट जो है नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है। लोड करंट I0 इज फ्लोइंग थ्रू द लोड, लोड के थ्रू I0 लोड करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन द थर्स्टर इज ट्रिगर्ड इन ईच साइकिल, यानी कि थर्स्टर के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए या सर्किट के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए थर्स्टर को प्रत्येक साइकिल में ट्रिगर किया जा रहा है गेट पल्स के द्वारा। इफ एनी फॉल्ट अकर्स इन द सिस्टम, सिस्टम में अगर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, ए टर्न ऑफ कमांड इज रिसीव्ड बाय द कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल सर्किट के द्वारा एक टर्न ऑफ कमांड रिसीव होता है। इन दिस सिचुएशन द कंट्रोल सर्किट विथड्रॉ गेट पल्स फ्रॉम द थर्स्टर्स T1 एंड T2 इन नेक्स्ट साइकिल। तो जैसे ही कंट्रोल सर्किट को पता चलता है, उसको टर्न ऑफ कमांड मिलता है, तो जो कंट्रोल सर्किट है वो दोनों ही थर्स्टर का जो
गेट पर से है उसको विथड्रॉ कर लेता है अगले साइकिल में। कंसिक्वेंटली द सर्किट ब्रेक्स, और जिसके परिणाम स्वरूप जो सर्किट है वो आपका ब्रेक हो जाता है। द रिलेवेंट वोल्टेज एंड करेंट वेव फॉर्म फॉर गिवन सर्किट इज शोन इन फिगर। तो फिगर में आपको जो है वोल्टेज और करंट का जो वेव फॉर्म है वो अभी दिखाए थे। फॉर एग्जाम्पल एट ओमेगा टी इजिकल टू 4π+5 इफ ट्रिगरिंग पल्स इज नॉट अप्लाइड टू T1 इट विल नॉट गेट टर्न ऑन। यानी कि जैसा कि अभी हमने वेव फॉर्म में दिखाया था कि फॉल्ट होने के बाद जो है माने जाए कि 4π+5 इस एंगल पे अगर फॉल्ट होता है और ट्रिगरिंग पल्स जो है वो T1 को अप्लाई नहीं किया जाता है तो इट विल नॉट गेट टर्न ऑन, तो ये टर्न ऑन नहीं होगा। थायरिस्टर T2 इज ऑलरेडी ऑफ जस्ट बिफोर 4π+5, यानी कि इस एंगल के जस्ट पहले जो है T2 वर्क कर रहा था तो वो अब जो है टर्न ऑफ हो चुका है। तो T2 जो है आपका 4π+5 के जस्ट पहले ये टर्न ऑफ हो चुका है और T1 जिसको कि टर्न ऑन होना था उसको अब ट्रिगर नहीं किया गया। देयरफॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द सर्किट इज ब्रोकन। इस प्रकार से सर्किट का कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक हो जाता है, यानी करंट जो है आपका जीरो हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इन केस टर्न ऑफ कमांड इज रिसीव्ड जस्ट आफ्टर 3π+5 द लोड करंट विल बी ब्रोकन ओनली एट 4π+5। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 3π+5 और 4π+5 इसके बीच में ही अगर कहीं पे भी सर्किट में फॉल्ट होता है, या मान लीजिए कि जस्ट 3π+5 के 5 के जस्ट बाद अगर मान लीजिए कि सर्किट में फॉल्ट होता है तो उस समय चूंकि जो थ्रेशर वर्क कर रहा था वो आपका ट्रिगर हो चुका था तो वो आपका नेक्स्ट साइकिल तक वो ट्रिगर रहेगा ही, वो कनेक्ट करेगा, लोड करंट आपका फ्लो होता रहेगा। यानी कि सर्किट में जो करंट है वो उसके अगर इस बीच में फॉल्ट होता है तो भी 4π+5 पर ही ब्रेक होगा, क्योंकि उसी टाइम जो है उस सर्किट में आपका गेट पल्स नहीं अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि थ्रेशर एक बार जब टर्न ऑन हो जाता है तो फिर टर्न ऑफ नहीं होता है जब तक कि उसके क्रॉस रिवर्स बायस ना अप्लाई किया जाए। तो दिस शोज दैट मैक्सिमम टाइम डिले फॉर ब्रेकिंग द सर्किट इज 1/2 साइकिल। तो इस प्रकार से जो मैक्सिमम डिले हो सकता है वो आपका 1/2 साइकिल के बराबर, यानी कि π/ω² के बराबर जो है आपका सर्किट में डिले हो सकता है। अगर फॉल्ट अगर 4π+5 पे होता है तब तो तुरंत ही मैंने बिना किसी डिले का ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर इस बीच में फॉल्ट होता है तो मैक्सिमम आपका 1/2 साइकिल के बराबर जो है वो आपका टर्न ऑफ टाइम होने में लग सकता है, यानी कि टाइम डिले हो सकता है उतना। आफ्टर दैट टर्न ऑफ कमांड इज एक्सेप्टेड बाई द कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट के द्वारा टर्न ऑफ कमांड रिसीव करने के बाद जो है वो मैक्सिमम 1/2 साइकिल यानी कि π/ω² डिले हो सकता है। तो ये आपका AC सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक DC सर्किट ब्रेकर। द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टैटिक DC सर्किट ब्रेकर इज शोन इन फिगर। तो DC सर्किट ब्रेकर के लिए जो सर्किट का अरेंजमेंट है वो आपको फिगर में दिखाया जाएगा। सिंस द इनपुट टू द सर्किट ब्रेकर इज DC, फोर्स कम्यूटेशन इज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑफ द थायरिस्टर। चूंकि जो सर्किट है उसमें आपका जो इनपुट है वो DC है, इसलिए थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए इसमें फोर्स कम्यूटेशन की आवश्यकता होगी। द सर्किट शोन इन फिगर यूजेज क्लास C कम्यूटेशन। तो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए सर्किट में क्लास C कम्यूटेशन का यूज किया गया है। T1 इज द मेन थायरिस्टर एंड T2 इज एक्जुलरी थायरिस्टर। तो सर्किट में जो अभी हम दिखाएंगे उसमें T1 जो है आपका मेन थायरिस्टर है और T2 जो है आपका एक्जुलरी थायरिस्टर है। तो स्टैटिक DC सर्किट ब्रेकर का जो सर्किट डायग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसमें जो है आपका ये T1 जो है ये आपका मेन थायरिस्टर है और T2 जो है ये आपका एक्जुलरी थायरिस्टर है, और ये चूँकि इनपुट जो है इसमें DC है तो थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए इसमें जो है आपका क्लास C कम्यूटेशन का प्रयोग किया गया है। क्लास C कम्यूटेशन में जो है एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है और एक कैपेसिटर ही सर्किट को रिवर्स बायस करके टर्न ऑफ करता है। तो इसमें और भी कुछ
डिवाइसेस लगे हुए हैं, तीन डायोड लगा हुआ है मैंने सीक्वेंस में है, तो ये जो है आपका ये अनदर प्रोटेक्शन के लिए है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आरएल ये आपका लोड है जिसका थ्रू की करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सर्किट का ऑपरेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आपका जो है यहाँ पे ये जो ऑन पुश बटन है, ये पुश बटन है, तो इसको जैसे ही पुश किया जाएगा तो ये सर्किट क्लोज्ड होगा और थायरिस्टर जो है आपका ये ट्रिगर हो जाएगा, यानी कि टर्न ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही T1 आपका टर्न ऑन होगा तो लोड जो है वो आपका सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और करंट जो है वो आपका लोड के थ्रू और थायरिस्टर के थ्रू होता हुआ ये आपका फ्लो करेगा, यानी लोड के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस दौरान क्या है कि ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होगा, ये R4 के थ्रू ये कैपेसिटर जो है आपका चार्ज होगा और पोलैरिटी इस प्रकार की इस पर डेवलप होगी। उसके बाद अगर मान लिया कि सर्किट में कोई फॉल्ट होता है, सर्किट में किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है, तो उस केस में जो है ये ऑफ पुश बटन जो है इसको प्रेस किया जाता है, ये ऑफ पुश बटन जो है ये प्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही ये बटन प्रेस होगा तो सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा। तो R5 और R2 ये जो आपका ब्रांच है ये आपका सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा और चूंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा ये, और R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जो भी वोल्टेज हो R2 के अक्रॉस, इस वोल्टेज से ये आपका थायरिस्टर जो है आपका ट्रिगर हो जाएगा, एक्जुलरी थायरिस्टर T2 ये ट्रिगर हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रिगर होगा तो T2 जब ट्रिगर होगा तो T1 जो है आपका ये टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर के ऊपर जो पोलैरिटी है वो इस थायरिस्टर को T1 थायरिस्टर को रिवर्स वाइज अप्लाई करेगा, क्योंकि इसका एनोड जो है वो आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कैपेसिटर है वो आपको T1 थायरिस्टर को टर्न ऑफ कर देगा और जो करंट है वो आपका T2 के थ्रू फ्लो होगा और लोड जो है ये भी आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो है आपका सर्किट जो है आपका ये सर्किट ब्रेक करने का काम करता है। इसमें जो आपके ये डायोड्स लगे हुए हैं, तीन सीक्वेंस में डायोड लगे हुए हैं, तो ये डायोड जो है आपका सर्किट को ओवरलोड प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करता है। जब सर्किट ओवरलोड होता है और इस R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है, वो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उससे जब ज़्यादा हो जाता है तो ये T2 थायरिस्टर आपका ट्रिगर हो जाता है, और फिर आपका जैसे ही T2 ट्रिगर होगा तो T1 जो है आपका ये ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो सर्किट है, ये एडिशनल सर्किट जो है, ये आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसके वर्किंग को एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। थायरिस्टर T1 गेट्स ट्रिगर्ड इमिडिएटली आफ्टर प्रेसिंग द ऑन बटन। जैसे ही ऑन बटन को प्रेस किया जाएगा तो T1 जो है आपका ट्रिगर हो जाएगा। कैपेसिटर सी गेट्स चार्ज्ड थ्रू रजिस्टर R4 विथ पोलैरिटी शोन। तो और जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कैपेसिटर जो है वो R4 रजिस्टेंस के थ्रू वो चार्ज भी होगा। व्हेन T1 स्टार्ट्स कंडक्टिंग इट इनर्जाइजेज द लोड बाई कनेक्टिंग इट अक्रॉस द सप्लाई। तो T1 जब कंडक्ट करना शुरू करेगा तो जो लोड जो है वो सोर्स से कनेक्ट हो जाएगा, यानी सप्लाई से कनेक्ट हो जाएगा और लोड जो है आपका इनर्जाइज हो जाएगा, यानी कि उसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा। द लोड कैन बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई विथ द हेल्प ऑफ ऑफ बटन। यानी कि जो ऑफ बटन है तो उस बटन की मदद से लोड को सर्किट से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। व्हेन ऑफ बटन इज प्रेस्ड द गेट ऑफ द T2 रिसीव्स ए सिग्नल थ्रू लिमिटिंग रजिस्टर R। जैसे ही आपको ऑफ बटन को प्रेस किया जाएगा तो जो T2 थायरिस्टर है उसका जो गेट सर्किट है वो R5 रजिस्टेंस के थ्रू जो है वो सिग्नल प्राप्त करेगा। रजिस्टर R5 एंड R2 मेक्स पोटेंशियल डिवाइडर, या पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेगा। एज सुन एज गेट सिग्नल इज रिसीव्ड बाई T2 इट स्टार्ट्स कंडक्टिंग। तो जैसे ही T2 जो है इसको ट्रिगर किया जाएगा, इसको गेट सिग्नल मिलेगा तो यह कंडक्ट करना शुरू करेगा। एंड T1 गेट्स टर्न्ड ऑफ ड्यू टू रिवर्स पोलैरिटी ऑब्टेंड बाय द कैपेसिटर। और जैसे ही T2 जो है आपका कंडक्ट करना शुरू करेगा तो T1 जो है वो आपका टर्न ऑफ हो जाएगा
कैपेसिटर के अक्रॉस जो रिवर्स पोलरिटी है उसके थ्रू टी वन थ्रेशर आपका ये रिवर्स बायस हो जाएगा। द लोड इज इमिडिएटली इंटरप्टेड एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू टी टू। तो इस प्रकार से जो लोड है वो आपका इंटरप्ट हो जाता है और करंट जो है वो टी टू के थ्रू फ्लो होता है, ट्रिगरिंग टी वन बाई प्रेसिंग द ऑन बटन इनेबल्स द लोड टू बी कनेक्टेड इन द सर्किट अगेन। यानी फिर से ऑन बटन को प्रेस करके इसको इनेबल करके और लोड को फिर से जो है सर्किट में कनेक्ट किया जा सकता है। यानी कि फॉल्ट जब क्लियर हो जाए तो फिर से ऑन बटन को प्रेस करके और लोड को जो है सोर्स से कनेक्ट किया जा सकता है, टी वन आपका जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। दस द डिवाइस एक्ट्स लाइक ए सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। तो इस प्रकार से जो आपका डिवाइस है वो सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है। रजिस्टर आर वन कनेक्टेड इन सीरीज विथ द मेन थायरिस्टर टी वन प्रोवाइड्स ओवरलोड प्रोटेक्शन फॉर द लोड। यानी कि टी वन थायरिस्टर के साथ है, जो सीरीज में जो आर वन रजिस्टेंस कनेक्टेड है ये जो है लोड के लिए जो है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर वन एक्सीड्स द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप of a string of diodes D1, D2, D3 connected in series, यानी कि जब R1 के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो ये तीन डायोड्स के अक्रॉस जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है उससे जब ज़्यादा होता है द एग्जिलरी थायरिस्टर T2 इज ट्रिगर्ड। तो एग्जिलरी थायरिस्टर T2 जो है वो ट्रिगर हो जाता है बाई ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड गेट सिग्नल। यानी कि गेट सिग्नल प्राप्त करके जो आपका T2 थायरिस्टर है एग्जिलरी थायरिस्टर वो टर्न ऑन हो जाता है। इवन इफ ऑफ बटन इज नॉट प्रेस्ड, यानी कि जब ऑफ बटन को नहीं भी प्रेस किया जाएगा तो भी आपका जो T2 थायरिस्टर है वो आपका टर्न ऑन हो जाएगा इस केस में। यानी कि R1 के क्रॉस का वोल्टेज जब इन तीनों डायोड के फॉरवर्ड वोल्टेज से जब ज़्यादा हो जाएगा तो बिना ऑफ बटन प्रेस किए हुए भी जो आपका T2 है T2 थायरिस्टर जो है आपका ट्रिगर हो जाएगा। दिस इमिडिएटली कट्स ऑफ द लोड एंड सेव इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज। तो इस प्रकार से जो आपका लोड है वो आपका कट हो जाता है यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है और सर्किट जो है आपका डैमेज होने से ये बच जाता है। तो इस लेक्चर में हमने स्टैटिक AC सर्किट ब्रेकर और स्टैटिक DC सर्किट ब्रेकर डिस्कस किया। थैंक यू।